दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत मामले पर तत्काल सुनवाई के अनुरोध को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने पहले ट्रायल कोर्ट द्वारा केजरीवाल को दी गई जमानत पर रोक लगा दी थी, जो ईडी ने ट्रायल कोर्ट के जमानत आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था। हाई कोर्ट की जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने आज मामले की सुनवाई टाल दी, क्योंकि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि ईडी की याचिका पर केजरीवाल का जवाब उन्हें कल देर रात दिया गया और एजेंसी को इस बार जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय चाहिए। राजू ने कहा कि जवाबी प्रति उन्हें मंगलवार रात 11 बजे दी गई, उनके पास जवाबी हलफनामा तैयार करने और दाखिल करने का समय नहीं है। वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी के दावों को चुनौती दी। सिंघवी ने कहा कि जवाबी प्रति मंगलवार दोपहर 1 बजे आईओ को भेज दी गई। सिंघवी ने कहा कि मामले में बहुत जल्दी है, क्योंकि केजरीवाल को दी गई जमानत पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि वो अपने जवाबी हलफनामे पर भरोसा किए बिना मामले पर बहस करने के लिए तैयार हैं। हालांकि जस्टिस कृष्णा ने टिप्पणी की कि ईडी केजरीवाल के जवाब पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का हकदार है, इसलिए इसने मामले को 15 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया। केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने इस आरोप में गिरफ्तार किया था कि वो कुछ शराब विक्रेताओं को लाभ पहुंचाने के लिए 2021-22 के लिए अब समाप्त हो चुकी दिल्ली शराब नीति में जानबूझकर खामियां छोड़ने की साजिश का हिस्सा थे। ईडी का कहना है कि दिल्ली शराब नीति में अनुकूल शर्तों के बदले शराब विक्रेताओं से मिले रिश्वत का इस्तेमाल गोवा में आम आदमी पार्टी के चुनावी अभियान के फंड को करने के लिए किया गया और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते केजरीवाल व्यक्तिगत और अप्रत्यक्ष रूप से मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए उत्तरदायी हैं। केजरीवाल ने आरोपों से इनकार किया है और ईडी पर जबरन वसूली का रैकेट चलाने वाले का आरोप लगाया। राउज वेनी कोर्ट ने पीसी एक्ट न्याय बिंदु से 20 जून को ईडी मामले में उन्हें जमानत दे दी थी। न्यायाधीश ने कहा कि ईडी केजरीवाल को अपराध की आय से जोड़ने वाला कोई प्रत्यक्ष सबूत देने में विफल रहा है और ये भी देखने में विफल रहा कि एक अन्य आरोपी विजय नायक केजरीवाल की ओर से काम कर रहा था। न्यायाधीश बिंदु ने यह भी कहा कि ईडी केजरीवाल के खिलाफ पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रहा है। ईडी ने तुरंत दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसने 25 जून को निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी। इसका मतलब ये हुआ कि केजरीवाल आज तक जेल में ही है। इसके बाद केजरीवाल को भी 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया और 29 जून तक सीबीआई हिरासत में भेज दिया। सीबीआई मामले में जमानत के लिए केजरीवाल की याचिकाएं, उनकी गिरफ्तारी और सीबीआई रिमांड भी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। इस मामले में गिरफ्तार किए गए अन्य आप नेताओं में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह शामिल है। फिलहाल जमानत पर बाहर है, जबकि सिसोदिया भी जेल में ही है।